एक दिन भगवान श्री कृष्ण महाराज, अब कथा आप ब्रजवासी लोग हैं भैया, आपसे मधुर कथा न कहवे वारो कोई है न सुनवे वारो कोई है, तो आप तो कथा के सब बड़े रसिक हैं, बड़े प्रेमी हैं। तो ठाकुर जी एक दिन थोड़े, अब कथा तो बहुत प्रकार की है, ठाकुर जी कंगूरे पर हैं, उनके महाराज केस खुले हुए हैं, हवा चल रही है तो उनके जो लट हैं वो ऐसे बड़ी 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 सब बड़े अलंकार हैं। अब वो अलंकार तो हम कह तो देंगे, हम भी शुरू होंगे तो मौज तो आ जाएगा, पर हम चाहते हैं कि आप सूक्ष्म रूप से उस कथा को अपने हृदय में धारण कर लें। ठाकुर जी एक दिना रो रहे हैं, सीधी बात घुमा फिरा के का कहनो है, ठाकुर जी बहुत रो रहे हैं। बहुत रो रहे हैं क्यों? बोला वही याद आ रही है उनको, और याद आना भी चाहिए। ठाकुर जी ने महाराज हमको वचन दिया हुआ है, ये यथा माम प्रपद्यन्ति तांस्तथैव भजाम्यहम, हम जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। तो जब ब्रज में गोपी ग्वाल गैया मोर सुक पिक सब रो रहे हैं, नंद यशोदा सब रो रहे हैं, तो ठाकुर जी ने कह दिया कि जिस भाव से आप करोगे उसी भाव से हम हैं। तो ठाकुर जी भी रो रहे हैं। उद्धव कल हमको कौन बोला महाराज यहीं पर, बड़ा बढ़िया कोई, अब बड़ी बढ़िया गोष्ठी हो रही थी, बोला उद्धव तो विदेश से पढ़ के आयो, कौन ने कहो हमें याद नहीं है, पांडे जी ने कहो ना कौन ने कहो, वो बड़ो आनंद आयो हमें, एक नया भाव मिला। बोला उद्धव विदेश से पढ़ के आया, आप मैकोले कहते हैं ना, तो बृहस्पति से, पृथ्वी के थोड़ी देर, बृहस्पति से पढ़ के आए, अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, तो उनका विद्या थोड़ा अलग था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का विद्या था, बेचारे को पता ही नहीं चलता था उनको कुछ कि सोना में आलू है कि आलू में सोना है, गड़बड़ी हो जाती थी, भाई क्या करें, बाहर की विद्या में किसानी उतना पता नहीं, हमारे यहाँ तो महाराज दाऊ दयाल ने लिया हुआ है हल हाथों पे कंधे पर, उनके पास मूसली है, महाराज किसानों के देवता हैं हमारे दाऊ दयाल, पूरी दुनिया में जितनी कृषि कला है उसके देवता, उसके महाराज महादेव हमारे दाऊ दयाल हैं, उनके द्वारा ही कृषि अन्न और अन्न के विषय में एक दिन वैदिक रीतियों से हमने वर्णन कर दिया कि अन्न ही ब्रह्म है, और प्रजा के पालन में अन्न ब्रह्म के रूप में ब्रह्म को लाने का काम दाऊ दयाल अपने हल से करते हैं, तो वैदिक रीतियों से इसको हमने जोड़ा। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से भगवान की अनंत कृपा भई, और अनंत कृपा होने के कारण आज जब ठाकुर जी रुदन करने लगे तो ठाकुर जी के रुदन को देख करके महाराज उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने, महाराज बृहस्पति के शिष्य हैं, वो बहुत वेद वेदांत सिद्धांत के मार्तंड विद्वान हैं, उन्होंने पढ़ रखा था कि भगवान सदा मुस्कुराता है, आनंदित रहता है, महाराज वो न तो पैर से नहीं चलता, बिना आंखों के देख लेता है, और यहाँ तो महाराज माखन चुराने वाले ठाकुर हैं, वो उद्धव के सांचा में फिट ही नहीं बैठता था। बोला गुरुजी ने कहा है कि कृष्ण भगवान हैं और साथ में रहते तो कहीं थे भगवान लगते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल है, समझ ही नहीं आता। भगवान की अनंत कृपा हुई और भगवान आज उद्धव के ऊपर कृपा करने, गोपियों के ऊपर भगवान की ऑलरेडी कृपा है, किशोरी जी पर कृपा की जरूरत नहीं, किशोरी जी की कृपा के तो आकांक्षी ठाकुर जी, वो क्या कृपा करेंगे, महाराज किशोरी कृपा आकांक्षी तो हमारे ठाकुर जी ही हैं, तो किशोरी जी के ऊपर गोपियों के ऊपर तो कृपा करने की नहीं, भगवान की इच्छा हुई, भाई हमारो है, चचेरा भाई है और बड़ा बढ़िया आदमी है, और बृहस्पति से बहुत वेद वेदांत पढ़ के आयो है, पर सूखो जलेबी है, जलेबी तो है पर सूखा है। एक ने कहा कि सुन कड़ाई ते जलेबी निकले तुरंत ले आइयो, सो महाराज गयो और कड़ाई ते जलेबी निकली और लड़ गयो हलवाई ते, बोला तुरंत दे, अरे बोला रुक जा, अरे रुक जा, कड़ाई ते निकाल के तुरंत दे, ले आयो खवायो, बोला ये का ले आयो, बोला आप ही तो कहते कड़ाई ते निकाल के, अरे बोले कड़ाई ते निकाल के कम से कम रस में तो डाल दे, तो सिरा में तो डाल दे, तो सीधो ले आयो महाराज वही जलेबी छनवाए के, कौन खावे गो। तो उद्धव ज्ञानी तो है, उद्धव के पास ज्ञान है, पर ब्रज की ब्रज में क्या है, ब्रज में भक्ति प्रमुख है, भक्ति प्रधान है, यहां ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं, मैया का रहना जरूरी है और मैया ही मूल है और जननी ही मूल है, तो भक्ति पूरक ज्ञान और वैराग्य, भक्ति मूलक ज्ञान और वैराग्य यहां चाहिए। काशी में ज्ञान मूलक भक्ति चलेगी, ज्ञान और वैराग्य काशी में प्रमुख है, लेकिन ब्रज में
वृंदावन में भक्ति प्रमुख है, ज्ञान और वैराग्य उनके साथ लगे रहेंगे। तो आज उद्धव ज्ञान लेके आए हैं यूनिवर्सिटी से, और ठाकुर जी को देख के कह रहे हैं, मेरे कमाल कर रहे हो, भगवान होके रोते हो, ये क्या तरीका है, मिलना है तो जाके मिलके आ जाओ वृंदावन से, इतनी तो दूर, इतनी दूर तो नहीं है, कोई लंदन में तो नहीं है, यही वृंदावन है, यही आप मथुरा में है, मिल जाओ जाके ठाकुर। अब ठाकुर क्या समझावे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी को, JNU से पढ़ के आए तो उसको क्या समझाया जाए। ठाकुर ने कहा, रोको, तुम्हारा इलाज करते हैं हम, ज्ञान गुदड़ी में तुम्हारी गुदड़ी निकलवाते हैं हम, गुदड़ी के ऊपर जो जो तुम्हारा लगा हुआ है वो सब हटवाते हैं, मतलब परिष्कृत ज्ञान कर दिया। ठाकुर जी ने उद्धव के ज्ञान को भक्ति से समन्वित करके सीधी बात कह दिया, गुलाब जामुन सूखा था रस में डाल के खाने योग्य बना दिया महाराज। और उद्धव गए, बोला तो ठीक है, नहीं रोना है तो तू ही चला जा, जाके बात करके आ जा। भगवान ने उद्धव को भेजा नंद बाबा से, यशोदा जी से उद्धव की भेंट भई है, वहाँ के सखांते भेंट भयो है, बड़ा करुण दृश्य है। उद्धव को ज्ञान दे दिए, उद्धव को बता दिए, मन करो, ये करो, जोग करो, यहाँ करो, ऐसे करो, ध्यान धरो, फलाना करो, ठिकाना करो। यशोदा और नंद ने कहा, अरे भैया तू कहाँ पे आए, ध्यान धरो और ये करो और अनुलोम करो और विलोम करो। हमारे गुरुदेव सदा कहा करते, अनुराग सहित जो करता नाम तो स्वतः ही होता प्राणायाम। अगर जीवन में अनुराग से कृष्ण नाम कोई कर ले तो वही प्राणायाम है, अगर कोई काट दे योगी तो मैं बता दूं फिर उसको। अनुराग सहित श्री कृष्ण के उच्चारण को, भगवान नाम के उच्चारण को, गुरु मंत्र को अनुराग सहित जो करता नाम तो स्वतः ही होता प्राणायाम, उसकी प्राणायाम की पूर्ति हो जाती है। तो अब आए हैं वो योग सिखाने, और गोपी ने कहा कि योग तो हमारो है ही है, जिसको योग है वह कोई तो वियोग है, योग हुआ नहीं तो वियोग होगा कैसे। तो अब गोपी तो योग की आचार्या हैं, गोपी से ज्यादा योग किसका है। क्या पतंजलि आए थे महारास में, कौन आए थे बताओ, गोपियां करी रास, बाबा भोलेनाथ तो बड़ी मुश्किल से महाराज मौका मिलो उनको, वो भी मांग मंगा करके अन्नपूर्णा देवी से स्वरूप लेकर के आए, मांग के रूप तब मिलो, नहीं ललिता विशाखा तो ऐसा ही रोक देने में, कहां थे आए गो, ये कौन है। तो बड़ा बन बना के आए सज सजा के। तो महाराज किशोरी जी ने कहा कि ये गोपी कहां थे आई है, ये आपको चाल तो अद्भुत है, तुर्रेदार चाल चल रो, ऐसी गोपी तो हम देखे नहीं, नंदगांव ते आयो, बरसाना ते आयो, कहां ते आयो। बोला ना ये नंदगांव ते आयो न बरसाना ते आयो, ये गोपी भगवान कह रहे हैं हमारे श्री कृष्ण। बोला भैया ये नंदगांव ते बरसाना ते रावल ते नहीं आयो, ये तो सीधा कैलाश से आ रो, ये गोपी नहीं गोपेश्वर नाथ है महाराज, इनको नचाओ बढ़िया थे तो उनको नचायो। आज उनका पलटा गया, सब तो लेके आ गए थे, सुंदर तो थे, बड़ी अच्छे थे, सब बढ़िया तैयारी कर लिया था, पर मूछ हटाना भूल गए थे। जो महाराज उठायो तो मोहरों पर ऐसे तुर्रेदार मूछ लगो भयो, भोलेनाथ आ गई है। तो हम तो गोपेश्वर जी का दर्शन करने जाते, गोपेश्वर नाथ का खूब आनंद आवे, जरूर महीने में एक आध बार तो चले ही जाए, जाके धीरे से कान में कहें कैसो लग रहो है, आनंद आ रहो है, बढ़िया सजावट बढ़िया है रो है कि नहीं। महाराज भोलेनाथ भी सब जगह उनको लोग श्मशान में रहते, यहाँ रहते, कैलाश में रहते, हमारा वृंदावन कैसो जगह है, यहाँ महाराज वो भी पूरे श्रृंगार रस में रहते हैं भोलेनाथ, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ श्मशान में रहने वाले भी श्रृंगार रस में रहने लगे, ये ब्रज की महिमा है। दुनिया में अगर कहीं कोई निराशा हताशा हो और ब्रज में प्रवेश कर गए तो महारास और आनंद में प्रवेश कर जाओगे, श्रृंगार आनंद प्रेम यहाँ बहती है महाराज, यहाँ के तो मोड़ी में बहती है पंचामृत, जिनको पाने के लिए कितने बड़े बड़े वेद वेदज्ञ सुतज्ञ लगे रहते हैं, सो हमारे ठाकुर तो पंचामृत को नालियों में बहवा देते हैं, बहाओ इसको हटाओ, हड़िया फोड़ फोड़ के नालियों में, गोकुल और वृंदावन की नालियों में वो रस
जिस रस को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि महर्षि तरसते हैं गोकुल और वृंदावन की नालियों में, तब नहीं, अगर आज भी चिन्मयी दृष्टि है तो आज भी वो रस बहते हैं। बस देखने वाला, समझने वाला, ज्ञान और भक्ति की दृष्टि से अगर कोई देखे तो उसको आज भी मिलेगा।